क्लास फर्स्ट जीके लेसन सिक्स नोइंग फैक्ट। नोइंग मतलब जानना, फैक्ट का मतलब होता है ट्रूथ या सच्चाई। फैक्ट को जानो, जानते हैं। एन एक्सरे इज ए काइंड ऑफ फोटोग्राफ दैट शोज द इनसाइड ऑफ ए बॉडी। एन एक्सरे, एक्सरे एक तरह का बच्चों फोटोग्राफ होता है जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, अंदर के स्ट्रक्चर्स को शो करता है या कर सकता है। ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। बच्चों हम लोग अगर धरती से थोड़ा सा ऊपर जाएं, अपने घर के बहुत ऊपर अगर चले जाएं, जहाँ पे चिड़ियाँ उड़ती हैं उससे भी ऊपर अगर जाके देखेंगे तो हम लोग जहाँ रहते हैं अर्थ, वो गोल है, वो एकदम राउंड है, बॉल की तरह। हाँ, तो ऐसे ही बच्चों ये हमारे अर्थ का मॉडल है। मॉडल मतलब जैसे खिलौना होता है, जैसे आप लोग डॉग्स का छोटा छोटा खिलौना रखते हैं या कैट का खिलौना रखते हैं, ऐसे ये अर्थ का आप लोग खिलौना समझ सकते हैं। आप लोग क्लास वन में हैं, इसको ऐसे ही समझना ज़्यादा अच्छा बच्चों। हाँ, तो ग्लोब क्या है? इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक मॉडल है। ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ए थर्मामीटर, बच्चों ये फिगर में दिया हुआ ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मीन्स कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं थर्मामीटर से। ए हेलीकॉप्टर इज एन एयरक्राफ्ट विद प्लेट ऑन टॉप। हेलीकॉप्टर है बच्चों, ये एक एयरक्राफ्ट है, इसके ब्लेड्स टॉप पे होते हैं। ए सबमरीन इज ए शिप दैट ट्रेवल्स अंडर वाटर। ए सबमरीन बच्चों एक जहाज होता है जो ट्रेवल करता है अंडर वाटर, पानी के अंदर ट्रेवल करता है। ए रोबोट इज ए मशीन, रोबोट एक मशीन है दैट लुक्स एंड एक्ट्स, जो दिखता है और एक्ट करता है, व्यवहार करता है या काम करता है, ऑलमोस्ट लाइक ए ह्यूमन बींग, काफ़ी हद तक हम लोग की तरह काम करता है, इंसानों की तरह काम करता है।